शुरू करने लगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज अस्मा सलमान उमर फ्रॉम मरहम और मेरे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी मौजूद हैं। कल हम लोगों ने एक पोस्ट की थी ग्रुप के ऊपर और उसका इंतहाई यू नो ह्यूज रिस्पांस था और वो पोस्ट थी बड़ी मतलब छोटी सी एक एहसान ने पोस्ट की थी कि क्या आप एवरीडे स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि हाउ टू डील विद इट, हाउ टू कोप अप विद इट। तो आप लोगों का उसके ऊपर बहुत यू नो ह्यूज रिस्पांस था और उस ह्यूज रिस्पांस को देख के हमें परेशानी भी हुई और हमें जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ कि वी शुड यू नो सेट अप समथिंग, क्योंकि हर कोई सम लेवल के ऊपर जो है ना वो इससे गुजर रहा है। तो अब हमें ना इसके लिए किसी एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो कि आपको आपकी जगह पर बैठकर सोच सके, जिसका ऐसा एक्सपीरियंस हो, जिसने ऐसे बहुत से लोगों की कहानियाँ सुनी हो जो कि एवरीडे स्ट्रेस और डिप्रेशन के साथ गुजरते हैं। तो हमारा रابطہ हुआ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी के साथ। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, थैंक यू सो मच कि आपने इसके लिए फटाफट इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप एग्री हुए। और जो डॉक्टर साहब का मैं आप लोगों से तारीफ कराती चलूँ, डॉक्टर साहब जो है वो माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर भी हैं। इनकी 17 बुक्स पब्लिश्ड हैं और ये तीन जो मैं मेजर चीज़ें जो मैं अभी तक जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ इनकी, कि ये सोचों को तब्दील करने पर और आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद या मतलब लाने में और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी को लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इसको इन्जॉय कर सकते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से नहीं गुजार पाते जिस तरीके से गुजारना चाहिए और अपनी बेस्ट नहीं दे पाते, यू नो ही हेल्प पीपल के वो उससे बाहर निकलें, उन छोटे छोटे बबल्स से जिनमें हम फंस जाते हैं और अपने रियल पोटेंशियल तक पहुँचें। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप खुद बताइए कि आप क्या करते हैं और कैसे लोग आते हैं आपके पास और क्यों इतने लोगों का हमें रिस्पॉन्स आया होगा कि हाँ हमें स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के बारे में जानना है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी बात दुरुस्त है कि आपको इतना ज़्यादा रिस्पांस आया, ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी का बता रहा है कि हमारी सोसाइटी किस हद तक स्ट्रेस का शिकार है। और मज़े की बात है, जैसा हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, मर्द हो या खातून, खुशहाल हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अब हर आदमी को स्ट्रेस का शिकार पाएंगे। जिस आदमी से 5 मिनट बात करें वो बताएगा कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे स्ट्रेस है, वो ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम लेता है कि वो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इनके नाम भी कहाँ से इसके जहन में आ गए हैं, आज वो सारा कुछ बता रहा होता है। बिल्कुल सही। तो नो डाउट हम सब इस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हमें इन चीजों के साथ कॉप करना है, इन्हें किल करना मुमकिन नहीं रहा, इसलिए अब स्ट्रेस मैनेजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये नहीं कहते कि स्ट्रेस को किल कर दिया जाए, अब इसे मैनेज भी ऐसी डिजीज बन गई है जो मैनेजमेंट नहीं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। और फिर स्ट्रेस के पॉजिटिव भी फैक्टर हैं, आप चाहे तो इसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। इसलिए इसे मैनेज करके इस एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप जिंदगी में बेशुमार ऐसे काम कर सकते हैं जो शायद आपके लिए मुमकिन नहीं थे पहले। तो इस चीज को मैनेज करें, इसका रुख चेंज करें, कामयाबी आपकी मुंतजर है। बिल्कुल। हमने भी जब ये मरहम का काम शुरू किया था तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मरहम क्या है। मरहम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप किसी भी बीमारी या परेशानी की सूरत हाल में हमारे से रابطہ कर सकते हैं और हम डॉक्टर ढूंढने, उससे आपको कंसल्टेशन लेके देने या किसी भी किस्म की मालूमात लेने में आपकी हेल्प करते हैं। आप हमारी वेबसाइट है www.marham.pk, वहाँ पर देख सकते हैं। तो जब हमने भी वो शुरू किया था तो उसको शुरू करने की वजह यही थी कि There is a huge problem in our healthcare sector. Yes. और हर कोई वो उसके अंदर इसकी परेशानी को, इसके प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, लेकिन there was a need कि भाई आप अपनी सोच को बदलें और आप ये सोचें कि अच्छा नहीं, अब हमने कंप्लेन नहीं करना, अब हमने एक्चुअली में कोई तब्दीली लानी है। और उसी तब्दीली को लाने के लिए फिर जब हमने काम शुरू किया तो दिस इज हाउ इट ग्रो अप। लेकिन वो इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ हमें नेगेटिविटी को फाइट करना होता है। yes. हर रोज, हर दिन, हर चीज में। तो बिल्कुल। कैसे इवन कि इतनी नेगेटिविटी है कि उसको फाइट करने के लिए भी स्ट्रेस होना लग जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये हमारी चॉइस है डेफिनेटली। अब जितने भी काम है आप लोग देखेंगे जिन्हें आप पॉजिटिव थिंकर समझते हैं, अगर आप उन्हें बगौर उनका मुतालिया करें, उन्हें स्टडी करें, तो आपको अंदाजा होगा कि कोई भी शख्स बॉर्न पॉजिटिव थिंकर नहीं था, ठीक है, कोई भी शख्स बॉर्न नेगेटिव थिंकर नहीं था। ये हमेशा हमारी चॉइस होती है। एक ही इवेंट को कुछ लोग पॉजिटिवली ले रहे होते हैं, कुछ लोग उसे नेगेटिवली ले रहे होते हैं। तो ये हमेशा हमारी चॉइस होती है, हम अपने लिए क्या सिलेक्ट करते हैं। जिंदगी आपकी है, अगर आप नेगेटिव सोचों का बीज बोएंगे तो जो फसल काटेंगे वो नेगेटिव होगी, मुस्बत सोचों का बीज बोएंगे तो वो फसल काटेंगे जो मुस्बत होगी। दिस इज योर लाइफ, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सोचों के रुख को बदलें।
लेकिन सोचों का रुख कैसे बदला जाए? जैसे मैंने अक्सर लोगों को जो स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं ना, मैंने उन्हें पढ़ते देखा है. अच्छा, अब आई हैव रीड अ लॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट ना. मैं जब यूनिवर्सिटी में भी थी तो वैसे मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो साइकोलॉजी के पेपर में आए थे. अच्छा. लेकिन उसमें ये था कि हाँ, आपको बताया तो जाता है कि आपको ऐसे करना चाहिए या यूँ अपना बिहेवियर या एटीट्यूड बदलना चाहिए, बट वॉट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स टू एक्चुअली यू नो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से फाइट करने के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सिंपल सा असूल है, कहते हैं चेंज योर फिजियोलॉजी एंड चेंज योर साइकोलॉजी. ये अपोजिट भी होता है कि जो आपके जहन में होता है वो आपकी बॉडी पे नजर आ रहा होता है. हाँ. अब आप सब लोग देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जरा किसी भी ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो डिप्रेस्ड हो, जो स्ट्रेस का शिकार हो, जो परेशान हो, तो आप देखेंगे कि यूं करके ना उसके कंधे, मुझे से बनाने नहीं आते वैसे कंधे, क्योंकि मैं डिप्रेस होता नहीं हूँ, उसके कंधे झुके हुए होंगे, सर झुका हुआ होगा, आंखें झुकी होंगी, यूं करके बैठा होगा. ये खास बॉडी लैंग्वेज है, ये खास फिजियोलॉजी है जो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर रही है. अब आप ऐसा कीजिए कि अपने आप को, कमर को सीधा करें, कंधों को पीछे करें, ठोड़ी को ऊपर करें, नजरों को ऊपर करें, बैकबोन को रख करें. हाँ. अब आप देखें कि मतलब दूसरे के माथे से ऊपर थोड़ा सा, इस स्टेट में रहते हुए आप किसी भी सूरत अपने आप को स्ट्रेस्ड फील नहीं कर सकते, डिप्रेस्ड फील नहीं कर सकते. हाँ. डिप्रेशन की भी एक लैंग्वेज है. हाँ. मतलब डिप्रेस्ड आदमी को सामने देख के पता लग जाता है कि डिप्रेस है. ठीक है. जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो आपकी बॉडी आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंड को एक कमांड देती है, आई एम रिसोर्सफुल, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, और उसके मुताबिक काम करते, उसके मुताबिक जहन में सोच आने लग जाती है. सोचते हुए कभी भी एनर्जेटिक नहीं सोच सकते. हाँ. और यूं करके रहते हुए आप कभी भी मायूसी का नहीं सोच सकते. यू कैन ट्राई. हाँ. आप कभी भी ओपन पोस्चर के साथ मायूसी का, नाउमीदी का सोच ही नहीं सकते. हाँ. वो सोच पैदा ही नहीं होगी. हाँ. ये तो बात आपकी ठीक है कि मतलब हाँ, लोगों का पोस्चर ऐसे होता है, डिप्रेस्ड कैसे होगा, स्ट्रेस्ड कैसे होगा. हाँ. तो मतलब लाइक फर्स्ट थिंग यू ऑल कैन डू के यू नो Change your physiology. हाँ, you know, just chin up, head up. Yes, exactly. Got it. है ना, जबरदस्त. अब देखिए इसका इतना ही, आपने जो चिन आपकी हेड अप का कहा, देखिए मिलिट्री मैन जो हैं, हाँ. वो बड़े रिजिड मशहूर होते हैं. हाँ. आप में जितने लोगों के घरों में कोई भाई की अब्बू का मिलिट्री बैकग्राउंड है तो कहते बड़े सख्त मिजाज है, बड़े अकड़ वाले हैं, इनकी ऐसे है. पर आप देखें कि उनकी बैकबोन हमेशा रिटायरमेंट के बाद भी इरेक्ट रहती है. हाँ. उन्हें बताया जाता है चिन अप, हेड अप, कमर सीधी करो, जो आप बता रही थी. नतीजा ये निकलता है कि वो जो बॉडी की जो अकड़ है वो उनके मिजाज में भी आ जाती है. हाँ. तो अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं तो नो डाउट आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर लेते हैं. बिल्कुल ठीक है. लेकिन आप में इतना नहीं चेंज करना कि फिर आप में अकड़ आ जाए. नहीं, ये उस सूरत में है जब आप डिप्रेस्ड हो, जस्ट इमीडिएटली, मतलब है किसी मेडिसिन की बजाय, रिलैक्सेंट लेने के लिए, ट्रैंक्विलाइजर लेने की बजाय आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करें. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अभी जब हम इस सेशन को प्रिपेयर कर रहे थे तो डॉक्टर, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, इन्होंने कहा कि ये इस चीज के ऊपर काम करते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ दिस कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई भी इस तरह का मसला है तो यू नो पीपल थिंक क्या हम किसी शॉर्टकट की तरफ जाएं, और ये एक तरह से हमारा एक नेशनल माइंडसेट भी बन गया है कि हम वी वांट टू गो फॉर द शॉर्टकट. एग्जैक्टली ऐसे ही है. हमें वो पेशेंस खत्म हो गया है कि हाँ, कोई अगर ये काम करना है तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, और वो फिर हमसे चूंकि पेशेंस नहीं होता तो यू नो वी फील स्ट्रेस्ड, वी फील डिप्रेस्ड, तो हम ट्रैंक्विलाइजर्स की तरफ या एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाने लग जाते हैं. Yes. लेकिन हम कॉज को सॉर्ट आउट नहीं करते, एंड इट यू नो इट कीप्स ग्रोइंग एंड कीप्स ग्रोइंग. तो अगर एक बंदा है, अब जैसे आपने एक बात बताई कि उसको कि स्ट्रेस और डिप्रेशन है, यू नो जस्ट यू नो सेट अप योर पोस्चर, लेकिन अगर एक चीज उसने अकेले में अपने आप को बैठ के बतानी है कि देखो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद इट, या यू हैव टू बी यू नो ग्रेटफुल, लाइक आई वांट यू टू टॉक अबाउट ग्रेटिट्यूड, कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है एक बंदे को स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकालने में? देखिए सीधी बात, अगर ग्रेटिट्यूड है उसके बारे में कुरानी आयत का एक हिस्सा पेश कर देता हूँ, लाइन शकर तुम लाजिदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज्यादा दूंगा. अब ये ग्रेटिट्यूड के बारे में ही है ना. हाँ. तो वो बंदों का भी है, वो अल्लाह का भी है, वो नेमतों का भी है. बिल्कुल ठीक है. जब आप देखते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं तो जो ना होने वाले हैं वो बहुत थोड़े होते हैं. बिल्कुल. मगर हम उस पर गौर नेगेटिव साइड पे कर रहे होते हैं. हाँ. जो नेमतें मौजूद हैं उनकी बजाय जो नेमतें मौजूद नहीं है उनके बारे में गौर कर रहे होते हैं. ये खुशी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये टोटली आपके हाथ में है. अगर आप इजाजत दें तो छोटी सी कहानी सुना दूं आपको इससे मुतल्लिका. जरूर. और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख रही हूं साथ साथ, अभी हम इनको भी फ्लोट करेंगे, बट लेट्स लिसन टू अ स्टोरी. लेकिन व्यूअर्स, मैं पहले बता दूंगा ये सिर्फ कहानी है, इस कहानी की बुनियाद पर मुझ पे कुफर के इस्लाम के फतवे मत लगाइएगा.
ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ایک دفعہ اپنی تمام مخلوقات کا جائزہ لے رہے تھے, اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, مگر اس کہانی کے مطابق وہ خاص وقت تھا, تو پرندوں کو دیکھا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا, درختوں کو دیکھا بڑی خوشی کا اظہار کیا, سمندر کو دیکھا بڑے خوش ہوئے, پھر انسان پہ نظر پڑی تو بڑا غصہ آیا. فرشتوں نے کہا کہ یہ ناراضگی یہ خفگی کیوں ہے, تو جواب ملا کہ میں نے اس دنیا میں جس مخلوق کو جس کام کے لیے بنایا وہ کر رہی ہے. آم کا درخت آم کا پھل دیتا ہے, گندم گندم دیتی ہے, دریا پانی کو جس رخ پہ بہنے کا کہا اسی رخ پر بہتے ہیں, پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونکا گیا وہ بوئی کرتے ہیں, ہر چیز اپنے نظام کے مطابق چل رہی ہے. یہ حضرت انسان جسے اشرف المخلوقات قرار دیا, اس نے اپنے حسد سے کینے سے ان پریشانیوں سے پوری دنیا کو جہنم بنا دیا ہے, دنیا کا نظام اگر خراب ہے تو اس کی وجہ سے. فرشتوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے, ہم تو پہلے اس کے حق میں نہیں تھے, تو اب کیا حل ہے اس کا؟ جواب ملا کہ میں انسان کو اس کی سزا دوں گا اس غلطی کی. انہوں نے پوچھا کیا سزا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انسان سے اس کی خوشی اور اس کا سکون چھین لوں گا. فرشتوں نے کہا یہ تو بہت بڑی سزا ہے. جواب ملا یس, جتنا مرضی کامیاب ہو جب خوشی اور سکون نہیں ہوگا تو ہر چیز بے معنی ہے. تو فرشتوں نے کہا مالک ہے جو مرضی کر سکتے ہیں تو آپ کہاں چھپائیں گے وہ خوشی اور سکون چھین کے؟ تو ان سے فرشتوں سے پوچھا کہ تم تجویز دو تمہاری کیا رائے ہے. ایک فرشتے نے کہا کہ سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چھپا دو. جواب ملا کہ انسان ایک دن بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی سر کر لے گا, اور آپ کو پتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ تسخیر ہو چکا ہے. ایک نے کہا سمندر کی تہہ میں چھپا دو. جواب ملا تیل کی تلاش میں وہاں بھی جائے گا, جا چکا ہے. تیسرے نے کہا کہ کسی دوسرے سیارے پہ مریخ پہ زہرہ پہ چاند پہ چھپا دو. جواب ملا میں نے دنیا کا ہر گوشہ ہر کونا اس کی دسترس میں کر دیا ہے, اور قرآن پاک میں گواہی بھی دے دی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو یہ وہاں بھی پہنچ جائے گا. رشتے کہتے ہیں کہ ہم تو عاجز آ گئے, آپ نے یہ مخلوق ہی ایسی بنائی ہے کہ ہر چیز اس کی دسترس میں ہے, تو آپ ہی بتائیں کہ کہاں چھپائیں گے. جواب ملا میں انسان سے اس کی خوشی اور سکون چھین کے اس کے اندر چھپا کے رکھ دوں گا, یہ کھلی آنکھوں سے باہر دیکھتا پھرے گا اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھے گا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہم خوشی اور سکون کہاں دیکھتے ہیں. اس نے مجھ سے بدتمیزی سے بات کی میں غصے میں آ گیا, اس نے اچھا سلوک نہیں کیا میں سٹریس میں آ گیا, اس نے میری بات نہیں مانی میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے نمبر اچھے نہیں آئے میں یہ ہو گیا, میری جاب اچھی نہیں تھی میں. اب میری خوشی اور سکون تمام ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہو گئی ہے. اس کی بجائے اگر یہ میرے اندر کی ذات کے ساتھ میرے انٹرنل سیٹسفیکشن کے ساتھ مشروط ہوتی تو کیا میں ان تمام پرابلمس کا شکار ہوتا؟ آنسر از نو. جی اب آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ تو گم ہو گئی ہیں. ویری رائٹ, ویری ٹرو, مطلب لائک ہاں دس از ٹرو. ہمیں اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے, اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے دیا کیا کچھ ہے. آپ جو گریٹیچیوڈ کی بات کر رہی تھی نا, کبھی اپنے اندر جھانک کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کیا ہے, مجھے کیا دیا ہے, میری زندگی کیسی ہے. تو ایک دفعہ میں عادت ہے چونکہ میری مجبوراً, تو میں ایک فقیر ہٹا کھٹا تھا تو میں اسے بات کرنے لگ گیا. میں نے کہا کہ یار تم اپنی ایک آنکھ دے دو مجھے 2 لاکھ روپے میں, ایک پھیپھڑا دے دو, ایک گردہ دے دو, ایک دل دے اپنا ٹرانسپلانٹ کروا لو, اس کا دیکھیں تو ایک بندہ ہی بندہ وہ 1 ارب روپے کا بنتا ہے. تو 1 ارب روپے کا آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے دیا کیا ہے, وہ تم اس 1 ارب کو استعمال نہیں کر پا رہے, اس کی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے, مجھے کیا ملا. وہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں دیا کیا, ذرا سوچیے اگر آپ آج برما میں ہوتے تو کیا دیا ہوتا, کتنا فرق ہے. آپ دونوں چیزوں کو اینالائز تو کر کے دیکھیے. جی ساتھ ساتھ آپ کے پاس سوال آ رہے ہیں, اگر کوئی ہے تو آپ. میں ایک سوال لیتی ہوں, یہاں پہ ہمارے سے ماہ فرخ نے پوچھا ہے آئی فیل سو مچ ڈپریسڈ فار مائی کڈس, اچھے سے پڑھیں کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں, میں بچوں کو بہت ڈپریس کر دیتی ہوں ریگارڈنگ اسٹڈیز, جو کام کرنا چاہوں وہ اگر ویسا نہ ہو تو بہت الجھتی رہتی ہوں, ڈپریشن ہونے لگتا ہے الانگ ود مائیگرین. اچھا ایک بات تو اب یہ دیکھیں کہ ان کی بات میں وہی بات جو میں نے کہانی میں سنائی کہ انہوں نے اپنی خوشی اپنا سکون دوسروں سے مشروط کیا ہوا ہے. اچھا پھر نہ صرف اپنے بچوں سے بلکہ ان بچوں کے دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن سے. مس ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کمپٹیشن دوسروں سے نہیں اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ بچوں کا کمپٹیشن دوسرے کے بچوں سے کرنا چاہتی ہیں تو پہلے دوسروں کے بچوں کو وہ انوائرمنٹ بھی دیں جو ان کے پاس ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی پروگرس جاننا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں وہ گزشتہ کل سے بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اگر آپ کے بچے ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہے ہیں تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ انہیں ان بچوں کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہیں جن کے ساتھ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی پرفارمنس, بچوں کی اپنی پرفارمنس کو دیکھیں, وہ کل کہاں پہ تھے اور آج کہاں پہ ہیں. اگر وہ امپروو کر رہے ہیں آپ کو شکر کرنا چاہیے, ڈپریشن کی تو بات ہی نہیں ہے. مگر جب آپ ڈپریس ہوتی ہیں تو پھر آپ وہ فکریں بولتی ہیں, وہ الفاظ بولتی ہیں,
पॉसिबिलिटी है जो बच्चों को भी डिप्रेस कर देते हैं, तुम किसी काम के नहीं, तुमने माँ बाप का नाम डुबो दिया, तुम्हारी वजह से अब खानदान की नाक कट गई, देखो तुम्हारी खाला के बेटे के कितने नंबर हैं, देखो तुम्हारी मामा के बेटे के कितने नंबर हैं, मामू के बेटे के, वगैरह वगैरह। नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी उस एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और नॉट फॉर द जोक, फैक्ट ये है कि आजकल के बच्चे ज्यादा समझदार और आउटस्पोकन हो गए हैं। तो ऐसी एक माँ बार बार कहती थी कि देखो तुम्हारे मामू के बच्चे कितने अच्छे हैं, एक दिन बच्चों ने तंग आके कहा कि आप मामू के बच्चे यहाँ ले आओ, हमारे उनके घर छोड़ो। तो वो मिसालें दें जो पॉजिटिव हो, बच्चों को उनकी प्रोग्रेस के साथ जो है वो मेजर करें, ना कि दूसरों की प्रोग्रेस के साथ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इस सवाल का जवाब दिया। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट एंड इजी वे टू कंट्रोल एंगर। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार एक टेक्निक बताना चाहता हूँ आपको। बहुत अच्छा सवाल किया, अगर जी आज के टॉपिक नहीं था, हाँ, लेकिन बहरहाल एंगर मैनेजमेंट के हवाले से बहुत जबरदस्त सा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दे दिया जाए। हाँ। देखिए, हर चीज की एक खास रेसिपी है। अगर आप लोग चाय बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं, उसकी एक खास रेसिपी है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं साथ हर चीज के। इसी तरह खुश होने की एक रेसिपी है, इसी तरह नाराज होने की एक रेसिपी है। अगर चाय की रेसिपी में से एक चीज निकाल दें तो वैसी चाय नहीं बन सकती जैसे आप बनाते हैं। इवन टाइमिंग का फर्क भी डाल दें तो वो नहीं हो सकता। अब आप अपने गुस्से की रेसिपी को देखें। जब मैं लोगों से थेरेपी के लिए मिलता हूँ तो लोग बताते हैं, तो मैंने एक साहब से ऐसे ही पूछा कि जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, कहते हैं गुस्सा आता है। मैंने कहा, नहीं गुस्सा आता तो क्या होता है, कहते मैं फिर मुक्के मारता हूँ, मैं चीखता हूँ। मैंने कहा, ये तो एंड है, स्टार्ट कैसे होता है। अब उन्हें सोचने पर मजबूर किया, उन्होंने पता लगा कि जबकि बात नागवार गुजरती है तो पहले उनके यहाँ पसीना आता है। उन्होंने बताया वो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो अपने थैलियां मसलते हैं, फिर क्या होता है, फिस्ट बंद करते हैं अपनी ऐसे करके, गुस्सा आ रहा है ना उन्हें। हाँ। फिर क्या होता है, फिर सांस तेज चलने लगता है। हाँ। फिर क्या होता है, फिर उनकी आवाज बुलंद होती है। हाँ। फिर क्या होता है, फिर वो शाउट करते हैं। हाँ। फिर क्या होता है, फिर वो हाथ उठाते हैं। अब ये टोटल एक प्रोसेस है हाथ उठाने तक का। मैंने कहा, इसमें से सबसे आसान क्या है जिसे छोड़ा जा सकता है। कहते हैं मैं मुट्ठियों को कंट्रोल कर सकता हूं, मुट्ठियां ना भिंचू उस वक्त। मैंने कहा डन हो गया, आपने सिर्फ एक काम करना है कि जब भी गुस्सा आए आपने इस चीज पे कंट्रोल करना है कि आपकी मुट्ठियां ना भिंची जाए। मैंने कहा, इससे क्या होगा। मैंने कहा, करके देख लें। आप सब भी हैरान हो रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो मैं यही कहूंगा करके देख लें। एक दफा अपने गुस्से का प्रोसेस आइडेंटिफाई करें कि गुस्सा शुरू कहां से होता है बॉडी में और खत्म कहां पर होता है। जो सबसे ईजी चीज है वो आवाज बुलंद होना हो सकती है, कॉलर को छेड़ना, बटनों को छेड़ना हो सकती है, मुट्ठियां बंद करना हो सकती है। जो सबसे आसान चीज है आप उसे निकाल दें। सिर्फ मैंने मुट्ठियां नहीं बंद करनी, आप देखेंगे कि जब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकते। एक चीज। दूसरा कहते हैं कि टाइम इज बेस्ट हीलर बट वर्स्ट ब्यूटिशियन, ये शादी करते थे ना सारी की सारी पैदा। तो है कि गिव टाइम। किसी भी खास तौर पे जो घरेलू मामला आते हैं, घरेलू झगड़े हैं, इसमें हमने अक्सर देखा है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से मामला बहुत बढ़ जाता है। जो बात भी हो रही है, बच्चों के साथ है, घर वालों के साथ है, हस्बैंड के साथ है, अगर आपसे थोड़ा सा टाइम दे दें, सिर्फ इतना कल बात कर लेंगे। हाँ। इस बात पे सिर्फ इतना कह लें कि कल बात करेंगे, और अब देखें कि इससे जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। जिस बात की शिद्दत जो है उस पर बहुत ज्यादा काबू पाया जाता है और मामलात को समझने के लिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ रहा होता है। हाँ, ये तो बात, ये वाला तो मैंने भी अपनी जिंदगी में हमेशा इम्प्लीमेंट किया है। लगता नहीं वैसे आपको गुस्सा आता है? नहीं, आता है। अच्छा। सबको ही आता है, थोड़ा बहुत सबको ही आता है यार। कंफ्लिक्ट तो हर किसी को अपनी एनवायरनमेंट में, जिंदगी में फेस करने पड़ते हैं। लेकिन है। तो मेरा भी हमेशा जो कि हमेशा ये टेक्निक काम की है कि मैं कहती हूँ कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो वो और इसके बाद अल्लाह का शुक्र है वैसे तो मौका ही नहीं मिलता बाद में बात करने का, क्योंकि वो चीज आगे पीछे हो जाती है। लेकिन ये है कि इट रियली वर्क्स, कि आप थोड़ी देर के लिए उसमें से टाइम आउट ले लें, आप उसमें से थोड़ा सा टाइम आउट ले लें, तो आपको आपका जो वो जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो वापस आ जाती है और आप उस इमोशनल स्टेट में नहीं रहते। ये जो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी की बात की, बड़ी मजे की है। आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप में से अक्सर को गाड़ी या मोटरसाइकिल चलानी आती होगी या पता होगा कि ये कैसे काम करती है। अब एक बात देखिए, जब गाड़ी का इंजन गर्म होता है तो क्या होता है, गाड़ी सीज हो जाती है, गाड़ी काम नहीं कर सकती। आपका दिमाग भी इंजन है आपका, जब ये गर्म हो जाता है तो ये सीज हो जाता है, फिर ये काम नहीं कर सकता, ये सही फैसले नहीं कर सकता, फिर आप गलतियां करते हैं जिसका नतीजा आपको सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये अपने इंजन की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अब जैसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि इतने अच्छे सवाल आपके ज़हन में कहाँ से आ जाते हैं। इंजन की कैपेसिटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है। देखिए, अल्लाह ताला में और इंसान में बड़ा फर्क है। इंसान जो चीज बनाता है वो जितनी ज्यादा इस्तेमाल करता है उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। हाँ। कलम लेने में वो खत्म होता जा रहा है। अल्लाह ताला ने जो प्रोडक्ट बनाई है, मैं और आप,
इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती है। हाँ। आप में से अक्सर लोग जिम जाते होंगे, हाँ। जिंदगी किसी ना किसी टाइम में गए होंगे, हाँ। ग्राउंड जाते होंगे। अब देखिए, जब मैं जिम जाता हूँ तो मैं जाके 20 किलो वजन उठाता हूँ तो मुझे एग्जॉस्ट हो जाता हूँ मैं, हाँ। लेकिन जब मैं 4-5-10 दिन उठाता हूँ, हाँ। मेरे मसल्स बिल्ड होते हैं। फिर मैं 30 किलो उठाता हूँ, फिर मैं 50 किलो उठाता हूँ, मैं 100 किलो उठा रहा होता हूँ। वजह यह है कि मैंने अपने जिस्म का इस्तेमाल किया। सेम गोज विद मेंटल कैपेसिटी, जितना ज्यादा आप अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे, हाँ। उसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी। देखिए, जो रेडी वाला रेडी पे जा रहा है वो शायद अनपढ़ है, उसने बिल्कुल दिमाग में इन्वेस्टमेंट नहीं की और उसका दिमाग कैसा है, बिल्कुल अनटच। आपने 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल इसे इस्तेमाल किया, आप में उसमें कितना फर्क है। जिसने इस्तेमाल किया वो बेहतर है, जिसने इस्तेमाल नहीं किया, हाँ। वो कमतर है। इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का बिल्कुल आसान सादा सा तरीका यह है, द मोर यू यूज द मोर यू गेट, द मोर यू गेट। बेहतरीन, जबरदस्त, थैंक यू सर। अच्छा, एक सवाल है हमारे पास, फियर ऑफ डेथ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज ये बात मेरा डिप्रेशन बन चुकी है। अच्छा, उसमें यह है कि आप पहली बात तो यह है कि डरते किस लिए हैं, एक दिन तो हम सबको फेस करना है, हाँ। अच्छा, या तो आप, सॉरी टू से थोड़ा रफ बोलने लगा हूं, या तो हरकतें ठीक नहीं है, डर लगता है कि जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए आपको आज से तैयारी करनी है। दूसरी सूरत हम ये सोच रहे होते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि राजिक हम नहीं है, अल्लाह ताला अपने आपको कहता है वल्ला खैरुर राजिकीन। हर आदमी को जाना है, हमें सिर्फ यह है कि उस जाने के लिए तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। आप एक दफा आंखें बंद करके बैठे और विजुलाइज करें कि आप मर गए, विजुलाइज करें मर गए हैं, उसके बाद क्या होगा। अगर आप इसे सही तरीके से विजुलाइज कर लें, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। इसकी मिसाल देता हूं, आप सबको एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, आपको शायद पूरा नहीं पता। उसका नाम था अल्फ्रेड, अल्फ्रेड। तो एक दिन अखबार में उसके बारे में झूठी खबर छप गई कि वो मर गया। उसने पहले तो सोचा कि भाई अखबार वालों पे मैं ना वो हर जानने का दावा करता हूं, फिर उसने कहा वो बात की बात है, पहले ये तो देखूं कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। तो बेसिकली वो आदमी था जिसने डायनामाइट ईजाद किया था। तो अखबारों ने खबरें लगाई वो ये था, मौत का सौदागर मर गया, डायनामाइट किंग इज डाइड, लाशों का सौदागर मर गया, ये खबरें थी। उसने कहा अच्छा, अगर मैं मरूंगा तो मुझे दुनिया इस लफ्जों में याद करेगी। उसने अपनी तमाम मनी से एक ट्रस्ट बनाया, जहन को चेंज किया। उस आदमी का पूरा नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और नोबेल प्राइज उसी के नाम पर दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज का पीछे क्या था ये शायद लोगों को ना पता होगा, ये क्या था। तो जब उसने ये सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, उसने अपनी आज की जिंदगी चेंज कर ली। आप भी जाइए, जरा आंखें बंद कीजिए, सोचिए आप मर गए तो क्या होगा, घर वाले कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, रिश्तेदार कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चों को जो आपने तरबियत दी है उसके बाद बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, फिर देखें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आखिरत में क्या होगा आपके साथ, आपके बच्चे कैसी जिंदगी जिएंगे, सब कुछ चेंज हो सकता है। अब मैं आपको एक बड़ी वियर्ड सी बात बताती हूँ, मैंने एक कहीं पर एक टॉक सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा इटालियन आर्टिस्ट था, उसने अपने कमरे में अपना ही पुतला ना उल्टा करके लटकाया हुआ था, और वो कहता था कि ये मेरे लिए रिप्रेजेंटेशन है कि ये मेरी लाश है, जब मैं रात को सोने के लिए आता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि बस ये दिन खत्म एंड आई एम डेड, अब जब मैं कल उठूंगा ना तो मैं दोबारा से नई जिंदगी साथ उठूंगा, और मैं दोबारा से नई जिंदगी जीऊंगा, ना पिछले दिन क्या हसरत की ना परेशानी मेरे साथ होगी, ना उससे अगले दिन की टेंशन मेरे साथ होगी कि कल क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज सोने जाना है तो मैंने मर जाना है। ये जो हसरत की ना की अपने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बेशुमार मसाइल का जो है ना बुनियाद है उसकी। इसके बारे में भी बच्चों की आदत है मेरी स्टोरी टेलिंग, तो इस मेरी ना स्टोरीज के ऊपर 3 किताबें भी हैं, इस तरह की स्टोरीज जो सुना रहा हूँ, मैं अपनी ही कहानी अपनी किताबों में से सुना रहा हूँ। तो ये हसद कीना वगैरह क्या करते हैं, इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर ने क्या लाया मैंने अख्तियार किया। टीचर ने सारे बच्चों से कहा कि आप लोग सब मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ साइज के आलू लेके आइएगा, 5-5 किलो पोटैटोज, वो सारे आलू ले आए। तो टीचर ने कहा कि आप एक कागज के ऊपर लिस्ट बनाए उन लोगों की जिन्होंने ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो उन्हें लिखें, उन्हें नाम बना लिए। कई लोगों ने कहा एक्स्ट्रा शीट और भी दे साथ, लिस्ट बन गई। अब टीचर ने कहा कि जिसकी जितनी बड़ी गलती है उतने बड़े आलू पे उसका नाम लिखो, मिस्टर ए सबसे बड़ा आलू, सी फलाना आलू, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा आलू, उन्होंने वो काम भी कर लिया। अब टीचर ने कहा कि इन्हें अपनी किताबें निकालो, इन आलुओं को अपने स्कूल बैग में डाल लो, और इन्हें अपने शोल्डर्स के ऊपर जो है ना वो जिस तरह डालते हैं बैग, इस तरह कंधे पे डाल लो, उन्होंने डाल लिया। सारा दिन ऐसे ही रहा। तो टीचर ने कहा कि अब आपने सोते जाते सोते हुए भी इसे नहीं उतारना, बाथरूम जाना है साथ लेके जाना है, नहाना है इसके साथ नहाना है, ग्राउंड में खेलना है इसके साथ खेलना है, छोड़ना नहीं है। अजीब बात है। खैर हफ्ता का गुजरा तो स्टूडेंट्स को लाके पता गया, उन्होंने कहा सर हमें पता लग गया है। टीचर ने कहा कि क्या पता लगा,
स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पता लगा कि जो दूसरों की गलतियां, दूसरों को जो माफ़ नहीं करते, वो हमारे अपने आसाब को इतना शल कर देता है कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। टीचर कहते हैं नहीं, अभी सबक पूरा नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू करो। एक हफ्ता और ऐसे ही गुजरा, अब आलू ख़राब होने लग गए और स्मेल आने लग गई और आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया, और जिसके पास से गुजरे वो कि मेरे पास ना बैठो, मेरे पास ना बैठो, सगी माँ कहती है मेरे पास ना बैठो। अब बच्चे टीचर के पास आए तो टीचर ने कहा कि जब आप इन नेगेटिव चीजों को, हसद कीनों को सवार रखते हो, तो ना सिर्फ ये तुम्हारी जिंदगी खराब करते हैं, तुम्हारे आसपास वालों की जिंदगी भी जीरण कर देते हैं। तो अपने आलुओं के बैग उतारे, खुदा रहा आप सब लोग अपने अपने बैग उतारे, फ्रीज योरसेल्फ, लिव इन द प्रेजेंट। जो कल हो चुका है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, मगर उसकी वजह से अपने आज और आने वाले कल को खराब क्यों करते हैं? ये ठीक है, अपने अपने आलुओं के बैग उतारे, आलुओं के बैग उतारते अपने अपने, बेहतरीन है, तो बहुत ही अच्छा था, जबरदस्त। अच्छा अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, अब अगर मेरी बेटी सुन रही हो ना तो वो कहेगी आलुओं के चिप्स बना दे मुझे। अच्छा जी, उसके बाद है कि एक उन्होंने ये पूछा, वह है कि एक मिनट, उनका क्वेश्चन है कि आई फील स्लीप बट इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड मींस मीनिंगलेस ड्रीम्स, व्हेन आई वेक अप आई एम रियली टायर्ड। जी, उसकी एक वजह तो है कि आपका स्लीप शेड्यूल जो है गालिबन वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, आपकी इन्वायरमेंट ऐसी है, आप किसी टाइम दिन के वक्त सो रही हैं, किसी टाइम रात को सो रही हैं, बेजा फकरात को, परेशानियों को साथ लेके सो रही हैं। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जब आप सोएं तो एक काम कीजिए, लेटने के बाद 50 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए और गिनती अपने सांस के साथ, मसलन आंखें बंद की हुई हैं आपने, 50, 49, 48 लाइक दिस, 50 से 1 तक गिनती गिनिए। उसके बाद 3 मरतबा अपने आप को ये सजेस्ट कीजिए कि मैं जितना नींद देना चाहती हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो भी है, कि मैं 8 घंटे की नींद देने के बाद सुबह 5:27 और 15 सेकंड पर उठूंगी और मैं मुकम्मल तौर पे फ्रेश और एनर्जेटिक फील करूंगी। इस फिक्र को 3-4 मरतबा दोहराइए, आप हैरान रह जाएंगी कि बगैर किसी घड़ी के, बगैर किसी अलार्म के, आप एग्जैक्ट उस टाइम पर उठेंगी जो आपने अपने दिमाग को कहा था, और उठने के बाद आप एनर्जेटिक और अपने आप को पूरी उम्मीद महसूस करेंगे। बिल्कुल, ये जरूर अप्लाई कीजिएगा, ये बड़ा गोल्डन किस्म की बात है, देखने में बहुत आसान है, सुनने में बहुत आसान है, और वाकई आसान है, इसके नतायज मिरेकुलस, जबरदस्त है। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे से और पूछा हुआ है एंगर के बारे में और स्ट्रेस के बारे में, तो हमने इन सारी इन क्वेश्चंस को जो है वो लाइव सेशन के शुरू में कवर किया है। मैं एक दफा फिर अपने जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है लोगों से मैं इंट्रोडक्शन करा दूं कि हम मरहम के प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी के साथ एक सेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें कल बहुत यू नो ह्यूज रिस्पॉन्स आया था कि पीपल वॉन्ट्स टू लर्न अबाउट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, कि हम कैसे इसके साथ कोप अप कर सकते हैं और कैसे अपने यू नो मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकते हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। अगला जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ सर, वो अच्छा कैसे टॉप कर सकते हैं, आपके सप्ताह का सवाल देखेंगे। हाँ। मैं साथ एक और वाक्य बताता हूँ कि जो सोचों को बदलना है ये आपकी स्ट्रेस को कैसे कम कर सकता है, परेशानी को कैसे कम कर सकता है। सिचुएशन वही होती है, सिचुएशन नहीं बदलती, मगर जिस तरीके से आप उस सिचुएशन को देख रहे होते हैं, उसे जो वर्ड्स दे रहे होते हैं, वो सिचुएशन की मीनिंग चेंज कर देती है। तो ऐसा ही था कि एक जर्नैल के पास उसके फौजी ने आके कहा कि सर बैड न्यूज है। उसने कहा क्या? कहता है दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। जनरल कहता है वाओ जबरदस्त, इसका मतलब है अब हम हर सीमित अटैक कर सकते हैं। उसी बात को डिफरेंट अंदाज से देखा गया, उसी चीज को उसने मोटिवेशन का बाइस बना दिया। तो आपके जो भी हालात हैं उन्हें हमेशा मुस्बत अंदाज में देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ मुस्बत जरूर पाया जाता है, उसे निकालें, उसे अपना बीज बनाएं और शानदार जिंदगी की फसल काटें। बिल्कुल जी, आपके सवाल देख अच्छा रही थी। अगला सवाल है हमारे पास के जो लोग हैं जो डिप्रेशन या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, ऑफिस वर्किंग आवर्स में वो काम नहीं कर पाते ठीक से, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, ये हर चीज उनके लिए कोई एक फटाफट एडवाइस। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ टॉक ठीक करनी होगी। हम अपने आप से जो गुफ्तगू करते हैं, जिसे हम खुद कलामी कहते हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, मुझे चूंकि आजकल गुस्सा बहुत आता है, मेरे रिलेशन नहीं बनते, इसका मतलब है नहीं बनेंगे आपके। मैं आजकल स्ट्रेस में रहता हूँ ना, तो मेरी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई है, मुझसे दबाव पे काम नहीं होता। जब आप खुद को मुसलसल ऐसी बातें कह रहे होते हैं तो एक बात याद रखिए, आपका दिमाग आपका स्लेव है, उसने वो करना है जो आपने कहना है। आपने दिमाग को कमांड दी कि मुझसे काम नहीं होता, दिमाग ने कहना यस सर। आप कहते हैं मैं जबरदस्त काम कर सकता हूँ, दिमाग कहता है यस सर। आप कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, दिमाग कहता है यस सर, वो आपको गुस्सा दिलाएगा बार बार। आप कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बड़ा कूल माइंडेड हूं, मैं तो कंट्रोल करता हूं, दिमाग कहता है यस सर। तो अपने दिमाग को सोच समझ के कमांड दीजिए। एग्जैक्टली,
ہماری کمانڈز ٹھیک نہیں ہیں, ہم خود کو منفی کمانڈز دے رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں منفی لائف جی رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کو سٹریس ڈپریشن خود ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہر انسان کی, جیسے کہ ہم نے خود ہی کہا ہر ایک کو ہوتا ہے, لیکن ہم اسے پازیٹو یوز کرتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی لوگ سٹریس کا شکار ہیں, اس کی ایک میجر وجہ میں آپ سب کو دیکھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ جتنے لوگ سٹریس کا شکار ہیں آپ میں سے 99.99% ایکسرسائز نہیں کرتے. دیکھیں سٹریس آپ کے اندر ایک انرجی پیدا کرتی ہے, وہ نیگیٹو ہے, اسے ایکسرسائز سے اپنے باہر نکالنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ غصے کی صورت میں نکلے گی, وہ لڑائی کی صورت میں نکلے گی, وہ ڈپریشن کی صورت میں نکلے گی, تعلقات کو خراب کرنے کی صورت میں نکلے گی, کچھ لوگ ڈرگز دینے لگ جاتے ہیں. اگر آپ 40 منٹ کی ایکسرسائز کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ ڈیلی منیمم 40 منٹ اپنی ایکسرسائز کرنی ہے, تو یہ آپ کی زندگی کی کوالٹی لائف جو ہے وہ 20 ایئرس بڑھا دے گی. آپ پیسفل رہ سکیں گے, آپ کی تمام نیگیٹیوٹی اس ایکسرسائز کے نتیجے میں باہر چلی جائے گی, آپ کی باڈی اندر سے وہ کیمیکلس پروڈیوس کرے گی جس کے نتیجے میں آپ انرجی اور ہوپ فیل کریں گے, آپ کو اپنے اوپر یقین پیدا ہوگا. خدا را بستروں کو چھوڑیں, اب تو لوگ گیمیں بھی موبائل پہ کھیلتے ہیں. مطلب پہلے گراؤنڈ جاتے تھے, جم جاتے تھے, اب وہ موبائل پر کھیل رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر پر کھیل رہے ہوتے ہیں. تو جب فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو پھر ونس اگین یہ پرابلم پیدا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک ہمارے پاس کوشچن ہے کہ جو دماغ میں سوچیں فلوٹ ہوتی رہتی ہیں, اس کا بھی یہی آنسر بنتا ہے کہ بھائی آپ اپنے دماغ کو ٹھیک ان پٹ دیں, اس کو کنٹرول کریں. اچھا, وہ تو تقریباً کہتے ہیں کہ تقریباً 60,000 تھاٹس ایک دن میں ہمارے ذہن کے اندر سے گزرتی ہیں. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کسے جگہ دیتے ہیں اور کسے نہیں دیتے. آپ ٹی وی دیکھ لیں, میں آپ سب سے دوستوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ فرض کیا کہ آپ کے پاس 1 بلین روپیز ہیں, میں ملین نہیں کہہ رہا, بلین کہہ رہا ہوں, 1 بلین روپیز ہیں آپ کے پاس اور آپ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ پیسہ باہر سے لے کے آئے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور صرف انویسٹ کرنے سے 10 منٹ پہلے خبریں سن لیتے ہیں, کیا آپ انویسٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ انویسٹ نہیں کریں گے. پھر آپ کو جو میڈیا بتا رہا ہے, یقین مانیے آج کل ہم میڈیا وار کے جو ہے نا اس میں سے گزر رہے ہیں, فیز میں سے. دیکھیں 1 لاکھ لوگوں کا جلسہ ہوا, کسی بھی پارٹی کا لے لیں مجھے نہیں پتا, لیکن 1 لاکھ لوگوں نے جلسہ کیا, اس میں سے 100 لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی, کرسیاں توڑ دیں, گالی گلوچ کی. اگلے دن خبر کیا آئے گی, 1 لاکھ لوگوں کا جلسہ ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا, لوگ بدتمیز تھے, لوگ بد تہذیب تھے, لوگ ایسے تھے, لوگ ایسے تھے. یہ خبر آئے گی یا یہ خبر آئے گی کہ 99,900 لوگوں کا پورا من جلسہ ہوا, نیگیٹو خبر آئے گی. لیکن کیا وہ 100 لوگ جو 1% بھی نہیں بنتے, کیا وہ ہم سب کا نمائندے ہیں, ہم سب کے؟ آنسر از نو. تو وہ لوگ جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں, جو دکھائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ سٹریس میں ہیں, دہشت گردی بہت ہو رہی ہے, بے روزگاری بہت ہے, کرپشن بہت ہے, یہ بہت ہے, یہ بہت ہے, یہ تو پاکستان کا 1% بھی نہیں ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں عرفہ کریم تھی, جس میں عبدالستار ایدی تھا, جس میں ایم ایم عالم تھا, جس میں مجھے عزیز بٹی شہید تھا, مجھے اتنے نام میں بولتے جائیں, نام چلتے جائیں, چلتے جائیں, چلتے جائیں, یہ وہ ملک. یس, ہمیشہ گڈ اور بیڈ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اٹس جسٹ اے جوک, نو ڈاؤٹ, جس میں آپ جیسے لوگ جو لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو آسانیاں فراہم کی جائیں, یہ ہم لوگ ہیں, یہ آپ کا پاکستان ہے. آپ کا پاکستان وہ نہیں ہے جو چند لوگ دکھائے جا رہے ہیں میڈیا پر, آپ کا پاکستان آپ ہیں. جس دن آپ نے خود کو چینج کیا, اس دن پاکستان چینج ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہمارے پاس کوشچن آ رہا ہے, کافی ساری خواتین پوچھ رہی ہیں کہ یو نو دے اوور تھنک, اور وہ اسٹریس میں آ کے نا مطلب رونا شروع کر دیتی ہیں, یا مطلب انہیں مطلب کافی یو نو دے فیل ریلی اسٹریسڈ, اور پھر اوور تھنکنگ اور ایک چیز کو بار بار سوچنا. تو اسٹریس کی جو ہے نا, کسی بھی خواب خواتین ہوں, بچے ہوں, مرد ہوں, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آنے والی سچویشن کے مقابلے میں آپ کے پاس ریسورسز کم ہوں تو وہ آپ کے لیے اسٹریس کا باعث بنتی ہے. ان ریسورسفل اسٹیٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, بے بسی کا احساس, کمزوری کا احساس, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں اور آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں. مگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں یا نہیں, دس از ٹوٹلی یور چوائس. ٹھیک ہے, کیونکہ ریسورسز جہاں سے جنم لیتے ہیں وہ دماغ سے جنم لیتے ہیں. میں آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں, آپ سب کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہے آپ اسے دیکھ لیں, کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, قلم ہے, جو بھی چیز ہے آپ کے پاس, یہ چیز کیسے بنی؟ ڈائریکٹ آ گئی دنیا میں؟ نہیں. یاد رکھیں, دنیا میں ہر چیز 2 مرتبہ بنتی ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 2 مرتبہ بنتی ہیں, 1 مرتبہ یہاں آپ کے دماغ میں, 1 مرتبہ فزیکل ورلڈ میں. یہ موبائل, یہ کمپیوٹر, یہ کیمرہ, یہ سیلے پہلے یہاں بنے تھے پھر یہاں آئے تھے. اسی طرح آپ کی کامیابی یا ناکامی پہلے یہاں بنتی ہے پھر یہاں آتی ہے. آپ کا ریسورسفل ہونا یا ریسورسفل نہ ہونا ایک مینٹل اسٹیٹ ہے. پہلے ریسورسفلنیس یہاں آتی ہے, میں کر سکتا ہوں, پھر دماغ آپ کو نئے ایوینیوز بتاتا ہے, تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو. مگر آپ دماغ کو کہتے ہو یار میں پاکستان میں پیدا ہوا, میں کچھ نہیں کر سکتا, میرا چھوٹا سا علاقہ ہے میں اس لیے کچھ نہیں کر سکتا, میری تعلیم تھوڑی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, میرا جینڈر یہ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے دماغ کو شٹ اپ کال دی, تم نہیں کر سکتے.
देखिए बच्चे अभी आपके पास इस तरह के सवाल आ रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ शादी हो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बच्चा कहता है मैंने ये लेना है, वालदैन कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टॉप शट अप। उन्होंने सिर्फ बच्चे को शट अप नहीं कहा, उन्होंने अपने दिमाग को भी एक शट अप कॉल दी, उसे कहा स्टेटमेंट दी मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दिमाग कहता है यू आर राइट यू कैन नॉट। भाई जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस वक्त पूछे मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, क्वेश्चनिंग इंपॉर्टेंट है। जब आप दिमाग से पूछेंगे कि मैं ये चीज कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ तो दिमाग आपको 1000 रास्ते बताएगा, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। आपने दिमाग से पूछा ही नहीं, आपने तो दिमाग को सिर्फ इतना सा कहा कि मैं अफोर्ड नहीं करता, दिमाग कहता नहीं दिमाग से वो कहते नहीं तो फिर नहीं। आप उससे पूछे भाई मैं क्या करूं, मुझे हर हाल में ये जिंदगी जीनी है, मुझे रिसोर्सेज पैदा करने हैं, मुझे स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी, दिमाग का बिल्कुल नहीं जीनी, तुमने अच्छी जिंदगी जीनी है। Give right suggestion. Give सही, जबरदस्त, very good. अच्छा एक हमारे पास question है कि I lack decision power and due to which I overthink each and every aspect to take good decisions. और एक minute. And to take good decisions and ultimately I feel stressed out so much. Should I enhance my decision power without taking stress so much on even little things? देखिए decision making के भी जिस तरह body के muscles होते हैं. इसी तरह डिसीजन मेकिंग के मसल्स होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा वेट उठा के अपने मसल्स को मजबूत करते हैं, सेम गोज विद डिसीजन मेकिंग। मैं अपने सेमिनार्स में लोगों से पूछा करता हूँ कि आप में से कितने लोगों की डिसीजन मेकिंग अच्छी है, तो यकीन मानिए तकरीबन 90% लोग बेझिझक हाथ खड़ा करते थे मेरी। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ, जो खवातीन है पहले उनसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये बताइए कि रोज दिन में 11-11 बजे तक दोपहर के आपको ये झगड़ा नहीं करता पकाना क्या पकाना क्या पकाना क्या, जिसमें आप पकाने तक का डिसीजन नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे है। अब आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे है, आपकी ये तमाम व्यूअर्स की एक टेस्ट कर लें, थोड़ा सा इनका टेस्ट कर लेते एक हैं। टेस्ट करते हैं, आपने खुद को 10 सेकंड में जवाब देना जैसे मैं पूछूंगा, फिर मैं आगे लेके चलूंगा। ठीक है, ट्रेन के 2 ट्रैक है, एक ट्रैक जो है वो किसी भी वजह से बंद है जिस पर ट्रेन नहीं आती, एक ट्रैक जो है वो ऑपरेशनल है। ठीक है, जो ट्रैक बंद है उस पर एक बच्चा खेल रहा है, जो ट्रैक ऑपरेशनल है उस पर 10 बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, पास एक मोड़ है जहां से ट्रेन ने आना है, ट्रेन नजर नहीं आती, यकदम आ सकती है, आप उस मोड़ पर खड़े हैं और वहां पर वो कांटा लगा हुआ है जिसके साथ वो लीवर खींच के ट्रैक चेंज किया जा सकता है। ये डर था कि ट्रेन आ ना जाए, वही हुआ कि ट्रेन आ गई। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप शोर बचा के बच्चों को परे कर सके, क्योंकि सर पर आ चुकी है, सिर्फ एक मौका है आप लीवर खींच के चेंज कर दें ट्रैक को। कुछ लोग तो ये सिचुएशन देखी भी होश हो जाएंगे, ओह माय गॉड ये क्या हुआ, बच्चे मारे गए, कुछ लोग अमल कर सकेंगे। आपके पास 10 सेकंड है, क्या अमल करेंगे, बेहोश हो जाएंगे या काम करेंगे? आपने यकीनन जवाब दे लिया होगा, और मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताता हूं कि आप में से 90% लोगों ने ट्रैक चेंज करने का फैसला किया होगा कि हम हिम्मत करके ये कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही है ना, 90% लोगों ने, आपकी नहीं, 90% लोगों की बात कर रहा हूं, बेहोश होने वाले थोड़े हैं, 90% लोगों ने एकदम ट्रैक चेंज कर लेंगे क्योंकि फौरी तौर पे 10 बच्चों की जिंदगी बचानी है। अब उन लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपने ये फैसला क्यों किया, वो कहेंगे 10 बच्चों को बचाने के लिए। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि वो बच्चा जो एक ट्रैक पर एक खेल रहा था नॉन ऑपरेशनल ट्रैक पर, उसका कसूर क्या था, उसका फैसला दुरुस्त था या गलत था? पहली बात तो ये कि क्या एक अकलमंद सही फैसला करने वाले को 10 बेवकूफ लोगों के ऊपर कुर्बान करना चाहिए? आंसर इज नो। नहीं जी, फिर भी वो 10 बच्चे थे ना, वो 10 माएं थी, गोद उजड़ जानी थी। अगला सवाल मान लिया आपने जज्बात में आकर वो फैसला किया, ट्रेन का ट्रैक चेंज किया, अब वो ट्रैक बंद था, वो 2000 बंदा को ट्रेन में बैठा हुआ था, बुक मार गया साथ, आगे टक्कर हो जाएगी ना जाके, तो आपके एक जज्बाती फैसले ने क्या किया, पूरी की पूरी ट्रेन को लॉस से दो चार कर दिया। अब ये फैसला जो था, जो हम अक्सर लोगों ने किया, ये जज्बाती फैसला था, हम ये समझने के फैसला दुरुस्त था। याद रखें फैसले इमोशनल नहीं, लॉजिकल होने चाहिए, चीजों को देखा जाना चाहिए कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ये करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, और इस फैसले के नतीजे में कितने लोग मुतासर होंगे। मैं अपना फायदा तो कर लूंगा, चलो इसके अंदर में मजीद कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा। जब तक इन तमाम चीजों को आप डिसीजन मेकिंग में ऐड नहीं करते, उस वक्त तक आप एक कामयाब डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। तो इसलिए छोटे छोटे फैसले करें, मसल्स को बिल्ड करें। हाँ, वो यही हो कि कल से मैं एक सेब खाया करूंगा, कल से नमाज पढ़ा करूंगा, कल से जिम जाया करूंगा, छोटे छोटे फैसले। जब उन फैसलों को आप पूरा करेंगे, उन पर अमल करेंगे, तो आपके डिसीजन मेकिंग के मसल्स मजबूत होंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े फैसले भी कर सकेंगे। जबरदस्त, और लोगों को आपका ये वाला ट्रेन वाला जो है वो काफी पसंद आया, यू नो लोग पीपल पार्टिसिपेटेड। नो, मैं तो रिसेल पे जाके बच्चों को बोलूंगी कम हेयर, इन्होंने सुना नहीं ना, ने बताया था कि बच्चों को चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं नहीं वो सही, दैट इज परफेक्ट।
जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, एक हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ टू हेल्प पार्किंसंस पेशेंट्स स्ट्रेस। अच्छा, जो पार्किंसन की जो बीमारी है, डेफिनेटली इसके कई रीजंस हैं। इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल की ज्यादा मेडिकल साइड पर जाना पड़ेगा, आपको इसके लिए मेडिसिन चाहिए होगी, इसके लिए आपको मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ट अप करें, मैं कॉन्फिडेंस बहुत जल्द लूज कर जाता हूँ, बात मुझसे नहीं होती। अच्छा, उसमें वंस अगेन वही बात जिस तरह मैंने डिसीजन मेकिंग, इसके साथ ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन में भी साथ ही बता दूं, एक इसके साथ क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि अगर किसी को लगता है कि हर कोई उससे बहुत उसको डिसलाइक करता है, उसको पसंद नहीं करता है, एवरीबॉडी हेट्स हिम, तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए, किसी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड के लिए पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है, पहले सवाल का पहले जवाब दे दूं, जिस तरह मैंने डिसीजन मेकिंग के मसल्स की बात की, इसी तरह कॉन्फिडेंस जो है इसके भी अपने मसल्स होते हैं। हाँ। और जो आपने दूसरी बात की, इसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। हाँ। तो दोनों चीजें मिलती हैं आपस में, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस ऊपर हाँ। जाके मिल जाते हैं दोनों। हाँ। सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ एस्टीम ये है व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं। और यकीन मानिए दुनिया आपसे उस तरह से ट्रीट करती है जिस तरीके से आप खुद अपने बारे में सोचते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, तीन आदमी आपको मिलने के लिए आते हैं, आप तीनों को नहीं जानते, और तीनों आदमियों का नाम अब्दुल रशीद है, बहुत अच्छा नाम है अब्दुल रशीद, अल्लाह के नाम के साथ है, तीनों आदमियों का नाम अब्दुल रशीद है। एक आदमी आपको कहता है आके, साहब जी मैं छीदा हूँ, मैं छीदा हूँ। एक आदमी कहता है अस्सलाम वालेकुम मैं चौधरी अब्दुल रशीद हूँ। एक कहता है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्दुल रशीद, मैं फलानी कंपनी के फलाने ओहदे पर फाइज हूँ। आप किसी को भी नहीं जानते थे, तीनों ने अपना तारुफ कराया, क्या आप तीनों से एक ही तरह मिलेंगे? नहीं। आप छीदे से कैसे मिलेंगे भला, छीदे में बैठ जाके, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसे ही होगा ना। अब उस शख्स ने अपना तारुफ करवा के दूसरों के लिए पैरामीटर सेट किया कि आपने मुझसे कैसे बात करनी है। हाँ। तो जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दूसरे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, दैट इज नंबर वन। दूसरी बात आपने पूछी पसंद नापसंद की। हाँ। आप में से अक्सर लोगों के घरों में बच्चे होंगे, जिनके घरों में बच्चे हैं वो हाथ तो खड़े करें जरा, वेरी गुड, और जो बच्चे हुए हैं वो हाथ खड़े करें, दो ही सुनते हैं ना। जो छोटे बच्चे हैं वो 6 माह का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, 1.5 साल का बच्चा हो, उन्हें बोलना नहीं आता। हाँ। तजर्बा कर ले, बल्कि बताइए आपको, उन्हें घूर के देखे बच्चों को। हाँ। क्या होगा, बच्चे भी डर जाएंगे या घूर के देखेंगे आपको। हाँ। रोने लग जाएंगे। आप बच्चों को स्माइल दें, क्या होगा, वो भी स्माइल देते, वो भी स्माइल देंगे आगे से। अच्छा, वो बच्चा जो अल्फाज को नहीं पहचानता, वो भी आपके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को देख के अपना रवैया तय करता है कि इससे मैंने कैसे बात करनी है। जब 1 साल का बच्चा ये तय कर सकता है कि मैंने किस आदमी से कैसा बिहेव करना है, तो एक 30 साल का मैच्योर आदमी कैसे तय नहीं कर सकता। खुदा रहा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाइए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। जब लोगों को स्माइल देंगे तो लोग जवाब में स्माइल देंगे आपको। और जैसा कि आपने कहा, मुझे इससे एक और बात याद, आदत है मेरी, मैं ज्यादा सीरियस नहीं रह सकता। मैडम ने कहा मेरी तरह, इससे मुझे याद आया कि इनकी तरह एक खातून ने अपने हस्बैंड से कहा कि सामने वाला आदमी जो नया किराएदार आया ना, वो मुझे देख के हंसता है, मुस्कुराता है, आप जाके उसे रोकें। हाँ। वो कहते हैं परेशान ना हो, मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तो मेरी भी हंसी निकल गई थी। तो कुछ लोगों के हंसने की ये वजह बात होती है। अच्छा, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ये था, उसमें सवाल ये था, सवाल ये कि चेंज के साथ जो है वो कैसे एक्सेप्ट करना है चेंज को अपनी जिंदगी में। देखिए, चेंज जो है वो तो जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। हाँ, और कहते सिर्फ यही एक परमानेंट चीज है। एग्जैक्टली, वो सबात एक तगयुर को है जमाने में। और कहते हैं कि सबसे स्ट्रांग वो लोग होते हैं जो हु आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। इज इट ट्रू? बिल्कुल है। तो ये चेंज के साथ फिर कैसे फटाफट सेटल अप होते हैं? देखिए, ये आपका एटीट्यूड है, आप चीजों को कैसे लेके चलते हैं। जब हम चेंज के साथ नहीं चल रहे होते, उसकी वजह ये होती है हमारे अंदर खौफ होता है कि मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं, मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे अगर मैं नाकाम हो गया। तो ये देखिए, आज लोग कितना अर्सा कहेंगे, 1 महीना 2 महीने 15 दिन 20 दिन, इससे नहीं होता ये काम, फिर ठीक हो जाएगा मामला। अगर आपने आज ये ना किया, इस चेंज को एक्सेप्ट ना किया, तो सारी जिंदगी लोग कहेंगे इससे कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं आता। तो चेंज जो है ये जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, और बचपन से लेकर, अगर आपके घर में बच्चे हैं जैसा कि पहले आपने कहा, तो आप देख लो कि कपड़े बार बार चेंज करने पड़ते हैं आपको, वो चेंज वहीं से शुरू हो रही है। मुसलसल चेंज, आपको अपने एनवायरमेंट चेंज करनी पड़ती है, दोस्त चेंज करने पड़ते हैं, रिश्ते चेंज करने पड़ते हैं, जॉब चेंज करनी पड़ती है, और आखिर में दुनिया चेंज करनी पड़ती है। वो जो अटैचमेंट एक हमें लेट इट गो नहीं ना करने देती, ये जंजीरें हैं। मेरा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है ब्रेक द चेन्स, उस प्रोग्राम का नाम ये ब्रेक द चेन्स। तो ये भी एक चेन है जो हमें आगे जाने से रोकती है। ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। हवाओं में जाना चाहते हैं तो आपको जमीन की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, जमीन पे रहना चाहते हैं तो आसमानों के ख्वाब छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। एक हमारे पास क्वेश्चन है, फिर आगे इसके बाद
कि ससुराल की तरफ से जो टेंशन मिलती है उसे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के रवैये बदलते नहीं हैं, इसलिए हम अपनी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? वेरी पॉजिटिव क्वेश्चन जी, ठीक है। देखिए आप ससुराल, थिंकिंग अबाउट इट, यस यस, अपनी बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जब आप ससुराल गए या गई, जो भी आप उसे कह लें, तो आप एक हैं, वहां पर 10 लोग मौजूद हैं, हस्बैंड है, उसका भाई है, उसकी बहनें हैं, उसके भाई की बेगमात है, माँ है उसकी। अब एक आदमी के लिए 10 लोगों ने खुद को चेंज नहीं करना, एक को 10 के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। इस बात को, पहली बात तो यह कि आपको मान लेना चाहिए कि चूंकि आप वहां पर गई हैं, तो आपकी बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिश्तों के लिए भी, लोगों के लिए भी, कि छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। जब बच्चा पैदा होता है, मैंने पहले पूछ लिया कि आपके घरों में बच्चे मौजूद हैं, आप देखिए वो कितना फ्लेक्सिबल होता है। उसे आप दोरा कर लें, बाजू मोड़ लें, गर्दन तोड़ लें, जहां मर्जी कर लें उस बच्चे को, कितना फ्लेक्सिबल होता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आप कहते हैं वाओ, बच्चा चलने लग गया, अब मेरा बच्चा खड़ा हो जाता है, उसके मसल्स टाइट हो गए हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर वो चलने लग जाता है। अच्छा, 3-4 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अब देखें ऐसा ऐसा उसकी जिंदगी कम हो रही है ना, जैसे जैसे वो जी रहा है, आप खुश हो रहे हैं, वो मजबूत हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसका जिस्म अकड़ता जा रहा है, उसकी जिंदगी कम होती जा रही है। वो 16 साल का होता है, मेरी इतनी छाती है, मेरे बाजू इतने हैं, मेरे मसल, मैं बड़ा स्ट्रांग आदमी हूँ, लेकिन एक्चुअली उसकी जिंदगी कम हो गई है। बिल्कुल ठीक है। करते करते वो आदमी भी 40-45 साल में चला जाता है, 50 साल में चला जाता है। अब उसे नमाज के लिए रुकू नहीं हो पाता प्रॉपर, प्रॉपर सजदा नहीं हो पाता, जिस्म की लचक खत्म हो जाती है, उसकी जिंदगी पीछे से कम होती जा रही है। फिर वो प्रॉपर तो क्या कर ही नहीं पाता, फिर वो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ता है, लचक और खत्म हो जाती है। फिर एक दिन ये आता है कि उसका जिस्म बिल्कुल अकड़ जाता है तख्ते की तरह, उस दिन को क्या कहते हैं, मौत का दिन। तो जब बच्चा पैदा हुआ था और जब वो बंदा मरा, उनमें लचक देखे कितनी थी। जब पैदा हुआ था जिंदगी बाकी थी, बहुत लचकीला था, जैसे कैसे लचक खत्म होती जा रही है, उसकी जिंदगी खत्म होती जा रही है। इदारे हो, रिश्ते हो, यह जिंदगी हो, जब उनमें लचक खत्म हो जाती है तो वह मौत का शिकार हो जाते हैं। आप अंदर लचक पैदा कीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट मैसेज जो आपका इन सब लोगों के लिए, अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अगर आप पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, इन एवरी डे लाइफ हाउ कैन वी हेल्प देम? बहुत अच्छी बात है। देखें, पहली बात तो ये कि माहौल का एक असर होता है। कुछ लोग नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाकर नेगेटिव हो जाते हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों से कहा करता हूँ, इसका मतलब है कि वो लोग आपसे ज्यादा ताकतवर थे। हाँ। जो आप पर हावी आ गए। हाँ। अपनी शख्सियत को इतना बड़ा रखें, अपनी सोचों को इतना बड़ा रखें, अपनी एनर्जी को इतना पॉजिटिव रखें कि आप जहां जाएं वो पॉजिटिव एनर्जी, वो वाइब्रेंट एनर्जी वहां पर जाए, लोग पॉजिटिव हो जाएं। हमेशा मुस्बत बातें करें, नेगेटिव फिक्रें मत कहा करें, लोगों को उम्मीद दिलाया करें। हाँ। लोगों को खौफ ना दिलाया करें, लोगों को मायूसी से बचाएं। ये बहुत बड़ी नेकी है, सदका जारी है। जितने लोगों की जिंदगियां बदलेंगे, वो लोगों की जिंदगियां नहीं है, वो नस्लों की जिंदगी है। एक आदमी की जिंदगी बदलने का मतलब एक नस्ल बदल दी आपने। बिल्कुल ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करें। जबरदस्त है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। और एवरीबडी, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हमने अभी आंसर कर दिए, अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें, अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया तो वी हैव टॉक्ड अबाउट देम बिफोर, और आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिकली जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, या वो उनका हम आपको आंसर जो है वो रिटन आंसर इधर पोस्ट कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, एक लास्ट मैसेज आपका सब लोगों के लिए, who want to change themselves and you know, last message के लिए मेरे पास 100 सेकंड तो होंगे। हाँ जी, 100 सेकंड है। चले, ऐसा हुआ कि एक जगह पर बहुत सारा लोहा पड़ा हुआ था, आयरन, बहुत सारा बेकार किस्म का। तो एक आदमी वहां से गुजरा, उसने कहा वाओ, इतना सारा लोहा किसी का भी नहीं है। हाँ। वो उसमें से कुछ लोहा ले लेता है। हाँ। और उनकी कीलें, वो नेल्स, वो जो ठोकते हैं ना। हाँ। वो कुछ कीलें बनाता है उससे। एक और आदमी गुजरता है, वाओ इतना सारा लोहा, वो उससे गाड़ी बनाता है। एक और आदमी, इतना लोहा, वो उससे जहाज बनाता है। एक और आदमी, इतना लोहा, वो उससे असला बनाता है। देखिए लोहा वही था, जिस नजर से उसे देखा गया। हाँ। उसने लोहे की अहमियत बदल दी। एक ने उसे कीलें बनाई, वो सारी जिंदगी खुद को भी और दूसरों को भी चबाता रहेगा। हाँ। एक ने असला बनाया, एक ने जहाज बनाया। हाँ। जिस नजर से देखा गया, उसने उसकी अहमियत बदल दी। आपकी जिंदगी लोहा है, आप जिस नजर से जिंदगी को देखेंगे वो इसकी वैल्यू का तायुन करेगा। अपने आप को बड़ा देखिए, बड़ा सोचिए, बड़ा जिए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़।